हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। सो अभी हम लोग नौशहर में, चलिए आप सब को बताए। अभी हम आए लंच करने के लिए, बताओ कहाँ पे। और जैसे आपको पता है, हमने ऑलमोस्ट सब कैटेगरी का वीडियो शूट किया है, सब तरह के फूड डिश हमने अपने वीडियो में लाई है। सो अभी नौशहरी पे आए हैं और यहाँ पे एक गुजराती फूड के लिए और काठियावाड़ी फूड के लिए एक स्पेशल जगह जिसका नाम है भूमेश्वरी। सो जो कि बहुत ही पुराना है नौशहरी में। सो यहाँ नौशहरी पे आए और यहाँ गुजराती काठियावाड़ी फूड का वीडियो ना बने, सो यह तो बात इम्पॉसिबल है। सो यस, अभी लंच करने के लिए हम भूमेश्वरी में आए और गुजराती काठियावाड़ी के साथ पंजाबी चाइनीज भी यहाँ पे मिलते हैं। सो चलिए आप हमारे साथ भूमेश्वरी में, यहाँ का फूड एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ का टेस्ट आपको बताएंगे और इसका रेट बताएंगे। चलिए आप। नवसारी की बहुत फेमस भुवनेश्वरी रेस्टोरेंट पे हम आए हैं। यहाँ पे हमने काठियावाड़ी मैंने थाली ट्राई की है, मंगवाई है। तो इसके अंदर बैंगन का भरता है, रसा वाला आलू का सब्जी है और बाजरे का रोटला बोलते हैं उसको, चपाटी रोटी बोलते हैं, और कढ़ी और खिचड़ी मंगवाया है मैंने। तो हम ट्राई करते हैं और इसके साथ में जो स्वीट मंगाई है वो एक्स्ट्रा आती है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, बैंगन का भरता जो इस विंटर टाइम पे बहुत अच्छा लगता है खाने का। अब मैं स्वीट में सिखन ट्राई कर रहा हूँ, जो यहाँ के जो ऑनर है वो यहाँ पे ही बनवाते हैं सब। एकदम क्रीमी और पूरा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है। और ये रेस्टोरेंट की शुरुआत कढ़ी खिचड़ी और दाल भात से हुई थी और ये 14 साल पुरानी रेस्टोरेंट है। यहाँ के ओनर खुद सेफ है और पूरे दिन उसकी यहाँ पे हाजिरी होती है। यहाँ की ये बहुत अच्छी बात है कि कई लोगों को लाइट खाना होता है तो उसको सिर्फ कढ़ी खिचड़ी खानी होती है और दाल भात खाने होते हैं, तो वो आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। उसके रेट है ओनली 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ में दाल भात जो बहुत फेमस है यहाँ के, सब लोगों को बहुत पसंद आता है। यहाँ की कढ़ी खिचड़ी भी बहुत अच्छी आती है और दाल और ये भात भी बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ का गुजराती थाली का रेट है 110 और काठियावाड़ी थाली का रेट है 130, जो काफ़ी रीजनेबल और किफ़ायती है और खाना बहुत अच्छा है। यहाँ का टेस्ट भी घर जैसा ही है और सीखों में बहुत अच्छा है, बहुत उसका टेस्ट अच्छा है। वेज हांडी है वो मेरा फेवरेट है, अक्सर मैं वेज की सब्जी पसंद करता हूँ। और जो भाई है वो पनीर की या चीज़ की सब्जी पसंद करता है। और जैसे आपने वीडियो के पहले देखा, मोहम्मद डैड ने अपनी गुजराती और काठियावाड़ी थाली मंगवाई थी जो कि काफ़ी मज़ेदार थी, मैंने भी उसमें से थोड़ी ट्राई किया था।
होटल की बात ये है कि ये लोग लंच टाइम में 400 से 500 लोगों को खाना खिलाते हैं, मतलब कि 400 से 500 थाली सेल होती है दुबई को, बहुत सही है। और डिनर पे भी सेम इतनी क्राउड रहता है, और ऑनलाइन जैसे कि जोमेटो में भी बहुत सेल इस लोग का होता है कि इस लोग का जो फूड आता है वो एकदम हाइजीनिक रहता है और टेस्टफुल रहता है। जैसे बोलते हैं कि भाई घर का खाना जैसा होता है एग्जैक्टली वैसा ही खाना है। यहाँ पे कई तरह के स्वीट भी अवेलेबल है, यहाँ पे गुजराती में जैसे बताया आगे मम डेड ने काठियावाड़ी थाली जो है यहाँ के बहुत फेमस है, और गुजराती थाली में कढ़ी भात रहता है, काठियावाड़ी जो थाली थी उसमें दाल कढ़ी रहता है, तो उसकी जो टेस्ट है वो काफ़ी मज़ेदार रहता है। यहाँ का जो खाना है वो काफ़ी अच्छा है ऐसा हमने सुना था। तो अभी हमने नवसारी की गुजराती कैटेगरी जो थी उसका हमने कहीं पर भी वीडियो नहीं किया था, तो हमें पता चला कि यहाँ का जो है वो गुजराती बहुत अच्छा है, और ऑल्सो पंजाबी जो डिशेज आती वो भी काफ़ी मज़ेदार रहती है। पंजाबी मिलता है, चाइनीज मिलता है, हम लोगों ने यहाँ पर मजे बड़े किए हैं, काठियावाड़ी थोड़ा थोड़ा ट्राई किया, बट आपको पता है हम लोग पंजाबी वाले हैं, तो पंजाबी ट्राई किया। वैसे सुनने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे गुजराती डिश मिलती है, गुजराती खाना ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ का पंजाबी इतना खास नहीं होगा, तो यहाँ का पंजाबी जो है वो भी काफ़ी टेस्टफुल है, काफ़ी मज़ेदार है। और स्पेशली ये जो रोटी है और कुलचा है, इससे अच्छा कुलचा मैंने आज तक कभी नहीं टेस्ट किया। ये जो कुलचा है परफेक्ट तरीके से पकाया गया है, इसका टेस्ट है मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इसके लिए आपको यहाँ भुवनेश्वर पे आके अपना खाना होगा। सो गाइस अभी वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है, उससे पहले यहाँ के ओनर है उससे थोड़ी बात कर लेते। भाई पहले तो आपके नाम बताइए। मेरा नाम रोहित पटेल है। ओके रोहित भाई, ग्रेट। सो आप यहाँ के जो भुवनेश्वरी है उसकी स्पेशलिटी के बारे में बताइए, आपका जो फूड है इतना लोगों को क्यों पसंद आता है? लोकल साउथ गुजरात में जो खाना खाते हैं ना, yes. वो लहसुन है, अदरक ज़्यादा रहता है, तीखा थोड़ा कम रहता है, yes. इधर थोड़ा स्वीटपन भी रहता है, yes. तो वो टेस्ट सबको इधर लोकलिटी को पसंद आता है, yes. और जो जो खिचड़ी में जो है वो भी इधर का स्पेशलिस्ट है, वो क्या वेजिटेबल, yes. खिचड़ी रहता है, yes. और दाल भी जो इधर लोकल लोग को पसंद है वो वही बनती है, और इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि भाई इधर खाना अच्छा, yes. और आपका स्वीट की जो स्पेशलिटी उसके बारे में, स्वीट बहुत पसंद आता है सबको। वो स्वीट में क्या है कि श्रीखंड भी इधर बनाते हैं हम लोग, yes. मोहन थाल बनाते हैं, अंगूर रबड़ी बासुंदी, yes. उसमें सबसे बड़ा क्या है, हम लोग बाहर से खाली दूध लाते हैं, दूध लाते okay. और सब प्रिपरेशन इधर करते हैं, yes. बहुत बड़ी बात है। तो ये है भुवनेश्वरी की जो सक्सेस जो वो सीक्रेट है वो यही है जैसे भाई ने बताया, यहाँ पे खाना बनाते हैं, yes. नहीं कुछ बाहर से लेते हैं, और कभी भी यहाँ पे होता स्वीट तो सभी उठाएगा ना, और भाई यहाँ के ओनर है फिर भी यहाँ के कुक भी है, सो यहाँ की जो डिश आती है वो सब यही बनाते हैं और यहाँ पे खाते भी है, सो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो बहुत मजे आए आके, सो आपको भी यहाँ पे नवसारी के टूर भी आ रहे हो हमारे तरह, और या तो फिर आप नवसारी के हो, ऑब्वियसली आप नवसारी के हो गए, यहाँ का फूड आपने ट्राई किया होगा, पर अगर आपने यहाँ का फूड ट्राई नहीं किया है सो मस्ट विजिट, हमारी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर यहाँ के जैसे भाई ने स्वीट बताया और गुजराती और ऑल्सो पंजाबी सभी चीज़ें ए ग्रेड की थी, सो आप यहाँ पे आओ ये चीज़ ट्राई करना मत भूलेगा, और वीडियो कहने का जीते वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट बोल तो सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, टिल देन कीप वॉचिंग कीप एटिंग, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।